नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi 10A Sport vs Vivo Y02 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi 10A Sport में 6.49 इंच जबकि Vivo Y02 में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi 10A Sport से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi 10A Sport में 3.03 इंच जबकि Vivo Y02 में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi 10A Sport से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi 10A Sport में 0.35 इंच जबकि Vivo Y02 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi 10A Sport में 194 ग्राम जबकि Vivo Y02 में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi 10A Sport में 6.53 इंचेस जबकि Vivo Y02 में 6.51 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi 10A Sport में 81.08% जबकि Vivo Y02 में 82.58% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi 10A Sport में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Vivo Y02 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैन कैमरा की तो Redmi 10A Sport में 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है, और Vivo Y02 की बात करें तो इसमें भी हमें 1 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi 10A Sport में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं, और Vivo Y02 की बात करें तो उसमें 2 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi 10A Sport में MediaTek Helio G25 और Vivo Y02 में MediaTek Helio P22 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi 10A Sport में 6GB की RAM मिलती है, जबकि Vivo Y02 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB 3GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Redmi 10A Sport में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Vivo Y02 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 32GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi 10A Sport में अप टू 512GB जबकि Vivo Y02 में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi 10A Sport में Android V11 जबकि Vivo Y02 में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi 10A Sport में 3 कलर्स जबकि Vivo Y02 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi 10A Sport में 1 ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 1,099 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Vivo Y02 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 2GB RAM 32GB स्टोरेज के साथ 11,999 रुपीस
3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi 10A Sport में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo Y02 की तो उसमें 5 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 10A Sport आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Vivo Y02 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy AWS-4 है, दूसरा iQOO Z6 5G है, तीसरा Samsung Galaxy F23 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A76 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।